बाड़मेर जिले भर में अनलॉक पार्ट वन में कोरोना अब धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। गुरुवार को 3 केस के बाद शुक्रवार को भी बाड़मेर जिले में 8 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं प्रशासन द्वारा उक्त क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया, तो चिकित्सा विभाग ने पॉजिटिव मरीजों को कोविड सेंटर भेजकर क्षेत्र के लोगों के स्क्रीनिंग का कार्य शुरू किया। बाड़मेर शहर की बात करें तो 3 अलग अलग क्षेत्रों में पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने इन क्षेत्रों के रास्तों पर बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिए हैं। बाड़मेर जिले भर में पिछले सप्ताह भर से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार शाम शहर के रायकुलानी, महावीर नगर और नेहरू नगर में एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। वहीं शुक्रवार को जिले के खाते में तकरीबन 9 का आंकड़ा आया। जिले के भाटखा में 1 एवं सरहदी केलनोर में सीमा सुरक्षा बल के 8 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी के साथ जिले भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 172 तक पहुँच गया है। भाटखा में पाए गए मरीज समेत शहर के मरीजों की जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद मेडिकल टीमों ने मरीजों को जिला मुख्यालय स्थित कोविड केयर सेंटर भिजवाकर उपचार शुरू कर दिया। वहीं सरहदी केलनोर में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों को एम्बुलेंस की सहायता से चौटन के कस्तूरबा गांधी छात्रावास भिजवाया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे स्क्रीनिंग का अभियान शुरू करने के साथ पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों की पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं बाड़मेर उपखंड क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्रों में उपखंड मजिस्ट्रेट नीरज मिश्र और सरहदी प्रभावित क्षेत्रों में चौटन उपखंड अधिकारी ने जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करने के साथ साथ कर्फ्यू घोषित कर दिया है। बाड़मेर का ये हफ्ता थोड़ा चिंताजनक है। इसी हफ्ते में बहुत ज़्यादा मरीजों की संख्या बढ़ी है और अब तक अपने 172 मरीज आ चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हमने 9,348 सैंपल अभी तक की जाँच हो गई है और अभी हमारे कोविड केयर सेंटर में आज के दिन 48 लोग वो भर्ती हैं और 2 लोग हमारे जोधपुर भर्ती हैं और हमारे 112 लोग वापस वो कवर भी हो जो वो क्या कहते हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। और इस हिसाब से कहा गया जाए तो बाड़मेर में थोड़ा सा जैसे माइग्रेंट आ रहे हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आ रहे हैं या जो कंपनियों के शिफ्ट चेंज हो रही है, नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उस हिसाब से कोरोना की संख्या बढ़ी है। और ये ज़्यादातर जो भी आए 95% ये माइग्रेंट ही है। कल की बात करूँ तो कल 3 केस आए थे जो बाड़मेर सिटी के थे, नेहरू नगर, राय कॉलोनी और महावीर नगर से थे। और आज वापस हमारे सुबह 8 केस आए हैं, जिसमें 7 तो केलनोर के थे और वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और एक कोई बाड़गा से कोई तेल कंपनी का कर्मचारी है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी ने बताया कि प्रवासियों के आगमन के बाद से जिले भर में संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही विभाग सतर्कता के साथ आवश्यक कदम उठा रहा है। उनके अनुसार जिले भर में अब तक 9,348 लोगों के कोरोना नमूने लिए गए हैं और विभाग लगातार हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आए प्रवासियों के सैंपल कलेक्ट कर रहा है। जिले में अभी 50 कोरोना पॉजिटिव केस सक्रिय है और 112 लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घरों की तरफ लौट चले हैं।